सभी को नमस्ते। आप सबका स्वागत आज के इस 9 बजे वाले कार्यक्रम में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि कर्नाटक सरकार ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय ये है कि कर्नाटक के बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के लिए, यानी मॉरल एजुकेशन देने के लिए, रामायण पढ़ाई जाएगी, महाभारत पढ़ाई जाएगी और कुरान भी पढ़ाई जाएगी। तो इसी विषय पर आज हम तुफैल जी के साथ चर्चा करेंगे कि कितना बढ़िया निर्णय है। तो तब तक आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कर दें ताकि जी। तो पहले तो स्वागत करते हैं तुफैल जी का। अरे वाह, नमस्ते जय तुफैल हिंदुस्तान। जी। जय हिंदू राष्ट्र जी। तुफैल जी, हम काफी समय से चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, बल्कि स्टूडेंट क्या, सभी को ही कुरान के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाए। तो ऐसे में कर्नाटक सरकार ने ये निर्णय लिया है कि नैतिक शिक्षा देने के लिए रामायण, महाभारत और कुरान में से उन्हें पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा लगता है कि हम जो चाहते थे वो मांग पूरी की है, इसमें कुछ पेच है। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा। पहले तो ये कि इस्लामी शास्त्रों का तो एनसीईआरटी अध्ययन करा ही रहा है। मेरा बेटा जब 7वीं में था तो उसके कोर्स में अबू हनीफा, हम्बली, शाफई ये सब पढ़ाए जा रहे थे और बड़े गदगद भाव से, लाट टपकाते ढंग से उनके बारे में इंफॉर्मेशन थी। ये बातें जो उनका सत्य है वो नहीं बताया जा रहा था कि एक अबू हनीफा को छोड़ के बाकी सभी ने काफिर को, क्षमा करेंगे, मुशरिक को जिंदा रहने का कोई हक नहीं दिया। काफिर यानी यहूदी और ईसाई तो जजिया दे के जिंदा रह सकते हैं, मगर मूर्ति पूजक तुरंत मार दिए जाने चाहिए। ये सारा सत्य छिपाकर बात कर रहे थे। हनफी, चूंकि भारत में मुसलमानों से कहीं ज्यादा बड़ी संख्या हिंदुओं की थी, सबको मारा नहीं जा सकता था, इसलिए जजिया जायज ठहराया। अन्यथा हमें तो जजिया देने का हक भी इस्लाम नहीं देता। तो जब इस्लाम का अध्ययन कराना है, और ये बहुत अच्छी बात है, मगर अध्ययन ईमानदारी से। इस्लाम यानी दीन को मानने वाली फौज, जो ये तो मानती है कि अल्लाह एक है, मोहम्मद उसका पैगंबर है, कुरान उसकी किताब है, और नमाज, रोजा, जकात, हज, ये 5 अंग हैं। तो जो अल्लाह को नहीं मानता, जो मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानता, जो किताब को नहीं मानता, कुरान को किताब, अपनी किताब नहीं मानता, वो काफिर है। काफिर का मतलब है इनकार करना। काफिर का मतलब इनकार करने से है। अब यहां उल्टा है, यहां इनकार नहीं कर रहा कोई, स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं नहीं मानता, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं मानता, बस इतना है। तो ऐसा हर शख्स वाजिबुल कत्ल है, उसका गला काट दिया जाना चाहिए। तो जो किताबें, कोर्स, सिलेबस तैयार हो, वो ईमानदारी से बात करे, लीपा पोती नहीं। जैसी ये हमारी केंद्रीय सरकार भाजपा की बैठ के लीपा पोती करती है, क्योंकि ये बात स्पष्ट समझ लीजिए कि इस्लामी नेतृत्व, चाहे वो भारत का हो चाहे विदेशी हो, वो इस्लाम को भरपूर समझता है और वो इसे छिपाता भी नहीं है। वो बिल्कुल नगाड़े बजाते हुए चलने वाले लोग हैं, उनकी मानसिकता बड़ी स्पष्ट है। तो उनके बीच में ये समझाना, जैसे वो अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था, इडियट, वो अरब कंट्रीज में जाकर समझा रहा है कि हमको आतंकवादियों से लड़ना है, इस्लाम को प्रोटेक्ट करना है, तो वो अपनी हंसी कैसे रोकें, क्योंकि उन्हें तो पता है कि आतंक क्या है और इस्लाम क्या है। तो ये ईमानदारी से काम हो, इस सिलेबस ईमानदारी को, से रेलवे क्षमा ईमानदारी करेंगे, से पूरी पूरी प्रामाणिकता से, बिल्कुल शुचिता के साथ इस काम को किया जाए, क्योंकि नहीं तो फिर वो अलतकैया शुरू हो जाएगा। इसका एक ध्यान जी जरूर जी
जरूर रखा जाए। ऐसा हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, हम तो इसके लिए बिल्कुल पक्ष में हैं, क्योंकि यही तो एक चीज है जैसे मैं महसूस करता हूँ, एक बार हुआ था और हमें एक बड़ा आधार मिल गया। दिल्ली में हिंदू महासभा के लोगों ने, जो आर्य समाज के भी थे, दोनों साथ थे, उन्होंने पोस्टर लगाए मुल्ला पार्टी ने कि ये आतंक भड़का रहे हैं, फलाना कर रहे हैं और इस्लाम के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। मुकदमा कर दिया, मुकदमा किया तो बाकायदा उन्होंने सारी चीजें दी कि भैया ये किताबें हैं इनकी, इसमें सच और झूठ सामने, आप बताएं कि हमने क्या गलत कहा। जाहिर है कि जब दावा किया जाता है किसी बात का तो उसका जवाब दावा होता है, तो उन्होंने जवाब जो दाखिल किया कि भाई आप बताइए कि ये कुरान की ये आयतें हैं, ये मक्तबा अल-असनाद की कुरान है, ये मौदूदी की तफसीर है, ये फलाने की तफसीर है, इसमें ये लिखा है, आप बताइए इसमें क्या गलत है। तो उसमें ये था कि साहब बात तो सही है, बस कहिए मत। तो जस्टिस लोहार्ट ने डिग्री दे दी कि कुरान की 24 आयतें हटा दी जाए। वो 24 आयतें या वो जो कलकत्ता हाई कोर्ट में यही मुकदमा चला था और वहां से भी डिग्री हुई थी कि कुरान की आयतें मनुष्यता को के खिलाफ भड़काती हैं। कलकत्ता वाले में डिग्री नहीं हुआ था, हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था। एक्चुअली उसमें जो जज, वो जो एक ये रहता ना कि आप जब कोर्ट में जाते हैं तो आप कुछ मांगते हैं कि हमें ये जस्टिस मिले, तो वो जस्टिस बड़ा बेतुका था कि कुरान की सारी प्रतियों से ये आयतें निकाली जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास कौन सी शक्ति है कि अगर भारत में 20 करोड़ मुसलमान हैं, इनके बीच में 50 लाख कुरान है, तो 50 लाख कुरान की प्रतियां इकट्ठी करके वो आयतें कैसे निकाल देंगे। ये जो डिमांड की गई थी वो बेतुकी थी, कुरान के भविष्य के वर्जन में न छपे या ये, बहरहाल एक लॉन्चिंग पैड तैयार हो गया ना। अब कोई मुल्ला हमसे बात करता तो हम सीधे कहते हैं देखो ये बात फैसला हो चुका है, और इन फैसलों से जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो हस्तक्षेप केवल ये कहकर किया है कि ये धार्मिक पुस्तक है, इसमें बदलाव की डिमांड नहीं की जा सकती। ये नहीं कहा गया कि यह गलत है या सही है, उसको गलत नहीं ठहराया गया, तो एक लॉन्चिंग पैड बन गया। अब जो कोर्स सेट होना है कर्नाटक में वो पूरी ईमानदारी से कि भाई ये दृष्टि, ये दर्शन है, ये दृष्टिकोण है कुफर और ईमान का, दारुल हरब और दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम में विश्वास करने वाला वर्ग है, महाभारत ये है, गीता ये है, ये बिल्कुल स्पष्ट पता होना चाहिए। आप ये नहीं बताएंगे, अब जैसे ईसा मसीह ने अपने, ईश्वर ने अपना एक बेटा पैदा किया और उसके ऊपर सारी सृष्टि के पापों का बोझ डाल दिया। उसकी माँ मरियम थी, वो कुंवारी थी, उसमें होली घोष घुस गया, ये सारी बातें कागज पे रखी है ना, फिर समझ अपने आप पढ़ने वाला समझ लिया सच क्या है, हमें क्या सिरदर्दी है, हम क्या मना करने वाले और करने वाले, मगर तथ्य पूरे होने चाहिए। वो तथ्य नहीं होने चाहिए जो कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट चर्च जो बातें करता है, वो नहीं, बिल्कुल ईमानदाराना छाट पर, बिल्कुल शुचिता के साथ, पवित्रता के साथ, पूरी स्पष्टीकरण के साथ कि हमने आने वाली पीढ़ियों को ट्रेंड करना है। तो इसमें एक चीज बताइए, इसमें एक चीज बताइए मुझे कि अभी जो एनसीईआरटी की पुस्तकें चल रही हैं उनमें अगर मैं आपको छठी क्लास का उदाहरण देता हूं तो छठी क्लास में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, पेज नंबर 55 पे वो पढ़ाते हैं कि सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रास बाय प्रीस्ट्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिचुअल्स। अगले पेज पे आता है ऑफन वुमेन वर आल्सो ग्रुप्ड विद शूद्रास, बोथ वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास। पेज 61 पे आता है वुमेन दासास एंड कामकाज कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज। पेज नंबर 72 पे आता है जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम्स चूज़न बाय देयर हस्बैंड्स। पेज 108 पे आता है कि ब्राह्मण रिगार्डेड द मैन हु इज रिगार्डेड लो बाय द ब्राह्मण्स इज नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास। फिर ऐसी पेज 128, 143, 105 इन पे आता है कि महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद इसी छठी क्लास की किताब में पेज नंबर 120 पे जब पहुंचते हैं तो वहां पे आता है इस्लाम इंट्रोड्यूस करते हैं
लगभग 1400 वर्ष पहले पैगंबर मोहम्मद ने एक नया मजहब इस्लाम अरेबिया में स्थापित किया। ईसाइत की तरह ही इस्लाम जो था वो बराबरी पर और बराबरी के दर्जे पर महत्व देता था। और फिर एक आयत कुरान की उन्होंने कोट की है, तो मैं दर्शकों के साथ शेयर कर देता हूं ताकि वो भी देख पाए इसे। ये 33वें सूरा की 35वीं आयत है। अभी आप ध्यान रखिएगा कि बच्चा ये पढ़ चुका है कि यहां पर औरतों को वेद पढ़ने का हक नहीं है, मैं जानबूझ के औरतें शब्द का उपयोग कर रहा हूं। मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, ईमानदार मर्द और ईमानदार औरतें, फर्माबरदार मर्द और फर्माबरदार औरतें, और रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें, और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, और फिरौतनी करने वाले मर्द और फिरौतनी करने वाली औरतें, और रोजादार मर्द और रोजादार औरतें, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें, और खुदा की बकर कसरत याद करने वाले मर्द और याद करने वाली औरतें, बेशक इन सब लोगों के वास्ते खुदा ने मगरिफ्त और बड़ा सवाब मुहैया कर रखा है। तो आप देखेंगे कितनी सुंदरता से उन्होंने सारे के सारे सनातन धर्म की सारी संस्कृति को उन्होंने बता दिया कि वो महिला विरोधी है, और एक आयत डाल के ये स्थापित कर दिया कि इस्लाम बराबरी का दर्जा देता है। और ये याद रखिए, छठी क्लास का बच्चा है जो शायद 12 वर्ष का 13 वर्ष का होगा, उसे इस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो वो अपनी ओर से कह सकते हैं कि हमने कुरान बीच में डाल रखी है और कुरान से हम इनको नैतिक शिक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे संदर्भ में ऐसी ब्रेन वॉशिंग से कैसे निपटा जाएगा? जी देखिए, कोर्स में जिन मोहम्मद के बारे में कि उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने औरतों को हुकूक में मुहैया कराए, तो साथ में आना चाहिए कि वो सबको बराबरी से देखते थे। उन्होंने पहली शादी अपने से 15 साल बड़ी औरत से की, या उनसे 15 साल बड़ी औरत ने उनसे शादी की, और उन्होंने उसके बाद पांचवीं या छठी या चौथी या तीसरी जैसी आयशा से शादी की जो 6 बरस की थी और सरकार यादव आलम 51 बरस के थे। ईमानदारी से बातें सामने आनी चाहिए। का हाल था, बांग्लादेश का हाल था, क्या हुआ? तो राष्ट्र को नष्ट करोगे? इस बात का ध्यान तो करने, मगर लोग ये सोचते हैं कि आप समाज अपना विरोध ना करने लगे, मगर साहब राष्ट्र को बचाना है तो ऐसी बेतुकी बातों के विरोध में तो आना पड़ेगा, आवाज मार उठानी पड़ेगी। जी, तो अच्छा, एक प्रश्न जो बार बार मन में आता है कि नैतिक शिक्षा सिखानी आपको कुरान से, तो ये अपने आप में विरोधाभासी नहीं लगता? कुरान से नैतिक शिक्षा नहीं, नैतिक शिक्षा किसको बोलते हैं? नीति की शिक्षा। तो इस्लामी नीति ये है, इस्लामी चलन ये है, इस्लामी बातें ये हैं, ईसाई नीति ये है, ईसाई चलन ये है, ईसाई व्यवहार ये है, हिंदू नीति ये है, हिंदू उसमें विदुर नीति हो, बृहस्पति शास्त्र हो, जो भी रखना हो, उनकी पूरी जानकारी, और मोटे तौर पे मतलब उसका इंटेंशन भड़काना नहीं होना चाहिए, मगर छिपाना भी नहीं होना चाहिए। तथ्य है, जब कोई दावा करता है कि मोहम्मद ने स्त्रियों के अधिकार बहाल किए, तो सातवीं बात आनी चाहिए ना कि 6 साल की बच्ची से विवाह और 9 साल की बच्ची से 55 साल के आदमी का यौन संबंध, आप इसे मानवीयता मानते हैं, इसे स्त्री अधिकारों के पक्ष की बात मानते हैं तो माने, मगर ये बात साफ होनी चाहिए, छिपना नहीं चाहिए। ऐसी कमियां हमारे अंदर भी हो सकती हैं, मगर हम सुन्नत नहीं मानते। अगर वाल्मीकि रामायण में सीता की उम्र 6 साल दिखाई जाती है तो हम निश्चित रूप से कहेंगे ये संभव नहीं है, जिसने लिखा है बेहूदगी करी है, ये नहीं हो सकता। इसलिए कि राम इस परंपरा के थे ऐसा, और हमारे यहाँ ये परंपरा ही नहीं है, ये बेहूदगी एक इस्लामी काल में विक्षेपक में लाए गए, तो इसमें खंडन करने में क्या समस्या? तुम भी कर दो, तुम भी कहो गलत बात है, हम नहीं मानते, मान लेंगे, सुन्नत का विरोध कर दो, उसमें क्या दिक्कत है? सुन्नत का कंसेप्ट तो है ही नहीं ना अपने यहाँ। नहीं, आपसे भी कि आपको लगता है कि भाई मोहम्मद ने जो किया, जैसे देवबंदी में सलफी अब विशेष रूप से करने लगे कि वो कहते हैं कि मोहम्मद एक सामान्य व्यक्ति थे, मैसेंजर हैं बस, उनके अंदर कोई देवत्व नहीं है।
जैसे बरेलवी करते ना, वो नमाज उसमें दुआएं मांगना, कबालियां करना मजारों पे और ये सब करना, वो सलफी नहीं मानते। इसी कारण से जो मोहम्मद की पत्नियों की कब्रगाह थी वो सब निपटा दी उन्होंने, मोहम्मद की मस्जिद सब उड़ा दी। वो ये कहते हैं कि ये सब नहीं चलने वाला, मोहम्मद जैसे आप हैं वैसे मैं हूं, वैसे मोहम्मद हैं, तो उनकी ये बुत परस्ती क्यों करनी। इवन उमर ने तोड़वा दी थी चीजें, वहां पेड़ है उसके नीचे मोहम्मद बैठते थे, लोग जाके बैठने लगे, नहर है इसके किनारे बैठते थे, तकवीयत पहुंचती वहां, उसने वो सारी चीजें ढहवा दी थी। तो उसमें छिपाने की बात क्या है, स्पष्ट होना चाहिए। तो नैतिक शिक्षा के नाम पर जो भी इस्लामी व्यवहार है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, अच्छी बात है, इससे इस्लामियों में भी बदलाव आएगा। जी, तो इसमें एक और जो प्रश्न उठता है वो ये कि अगर कुरान पढ़ने लगेंगे तो उसमें तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो फैमिली ऑडियंस के लिए बिल्कुल अनसूटेबल है, तो ऐसा कैसे करा सकते हैं? क्यों साहब, इसमें क्या अंतर पड़ता है? कुरान की एक आयत है, वो मैं कल पढ़ रहा था उसको, जिसमें ये जिक्र है कि जन्नत में जो औरतें मिलेंगी वो बड़ी बड़ी छातियों वाली होंगी। उसका अर्थ अब जो अनुवाद है उसमें वो छिपा दिया गया, ओरिजिनल अरबी का अनुवाद बदल दिया गया है, यहाँ उसवेली पपोती कर दी गई है। तो इसमें समस्या क्या है? अगर अल्लाह लोहे महफूज में छाती वाली औरतों की बात कर सकता है तो साहब क्या दिक्कत है, कर सकता है, छिपा क्यों रहे हो? जैसा है वैसा है, क्या करें हम, अल्लाह मियां ने करा है, हम क्या करें? नैतिक शिक्षा में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, बात स्पष्ट आना चाहिए। या 12-13 वर्ष के बच्चों को तो नहीं सिखा सकते, बात तो ठीक है, मगर वो 6 बरस की लड़की से शादी हो सकती है, 9 बरस की बच्ची के साथ में यौन संबंध हो सकते हैं, 12 वर्ष की वाली को बताया नहीं जा सकता। लेकिन चलिए, ये भी आपकी आपका तर्क भी ठीक है कि अगर ऐसा हो सकता है तो वैसा भी हो सकता है। तो ऐसे भी यूरोप में और अमेरिका में जो सेक्स की एजुकेशन है वो 12 वर्ष की उम्र से ही शुरू होती है। वो तो गधे हैं ना, वो तो मूर्ख वो हो चुके हैं, वो तो फिर जी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही, बीच में आपकी फोटो रुक रही है, शायद सिग्नल का कोई इश्यू है। हाँ जी, यहाँ वो खुदाई चल रही है थोड़ी सी, तो मुझे लगता है फाइबर ऑप्टिक काट दी है। चलिए, एनीवे मैं ये कह रहा था कि अमेरिका और वेस्ट वाले तो वोक हो चुके हैं, वो तो ये वाली एजुकेशन देनी शुरू कर चुके हैं, लेकिन अपना समाज कुछ और ढंग का है यहाँ। देखिए, ये रिस्क लेना पड़ेगा, अगर हमें इस्लाम को एक्सपोज करना है तो उसके सच को लोगों को बताना तो पड़ेगा, और उसके बिना कोई विकल्प नहीं है। जो लोग ये मानते हैं कि अल्लाह की किताब है, ईसाई अब बाइबल को नहीं मानता बड़े पैमाने पर, वो इतना ही है कि कभी मजबूरी हो तो शादी करने के लिए कोई तरीका, और बॉडी को डिस्पर्स करने के लिए मरने के बाद शरीर का कुछ तो करना होगा, ये दो चीजें हैं जो रह गई हैं, अन्यथा अब क्रिश्चियनिटी से बाहर हो चुका है, चर्च में लोग नहीं जाते, यूरोप भर में, अमेरिका में चर्च में लोग नहीं जाते हैं। तो तथ्यों के आधार पर ही तो हुआ, लोगों की समझ में आया कि भैया ये जो पृथ्वी के चक्कर सूरज लगवा रहे हैं कि इस पे ईसा मसीह पैदा हुआ था, ये तो सब बांगड़ू पर नहीं बातें हैं, इस तरह की चीजें एक्सपोज हुई। बाइबल में तो कुरान से भी ज्यादा बवाल खाता है, बल्कि एक मैं आपको सुझाव दूंगा नीरज जी, आप भी और मैं भी, हम स्विच ओवर करते हैं इस्लाम के बारे में, बहुत सारे लोग तैयार हो गए, समाज विकसित हो लिया, अब क्रिश्चियनिटी पर बात करनी चाहिए हम लोगों को, साल दो साल के लिए पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी पर, बाइबल पर काम करना चाहिए, लोगों को पता तो लगे। तो तथ्यों को तो सामने लाना ही पड़ेगा, और उसका वो विकल्प नहीं है। और इसमें कोई अगर हमारे ग्रंथों के बारे में खराब बात कहता है या गलती, एक तो कठिनाई ये ना कि हमारे यहाँ ग्रंथों का वर्गीकरण नहीं है, वेद के पल्ले पर ही हनुमान चालीसा को रख दिया जाता है। तो आखिर जो कुछ संस्कृत में है और हिंदी में है और देवनागरी में, उसी में रामचरितमानस भी धरी है, सब एक बराबर कर दिया, तो इसका तो स्पष्टीकरण होना चाहिए ना कि धर्म क्या है, धर्म के ग्रंथ कौन से हैं, सब कुछ तो नहीं चलेगा।
रामचरितमानस में ढोल गवान शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी है, लोग इस पर उसको लेकर खंडन करते हैं। तो तुलसीदास की रामचरितमानस हमारा धर्मग्रंथ कहां से हो गया? उनका एक काव्य है, उन्होंने लिखा है। हमारे धर्मग्रंथ तो वेद है, उपनिषद, ये तो उनका निजी ग्रंथ है, उनकी कविता है, श्रेष्ठ कविता है, बढ़िया कविता है, सब सारी बात मानी, मगर धर्म ग्रंथ मानकर ऐसे लठ बजेंगे हम पर, तो हम लोगों को कहना तो पड़ेगा कि साहब ये रामचरित मानस में मंथरा के मुंह से कहलवाया गया है, वो जाने और मंथरा जाने, हम क्या करें? नहीं, सागर के मुंह से कहलवाया, तो जब सागर उन्हें रास्ता नहीं दे रहा था श्रीलंका तक पहुंचने का, तो उस समय का है वो, कि जो सागर है जब वो बाण का संधान करते हैं तो सागर बोलता है, जी। तो अब इन बातों का खंडन नहीं करेंगे और इसको ऐसे कहेंगे कि ये बड़ा श्रेष्ठ बात काम है, तो ये तो गड़बड़ जाला है। आधा घंटा हो गया प्रभु, कोई प्रश्न तो ले लीजिए, अन्यथा जी। राघव झा है, ये वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा था कि 3350 को अगर हम देखते हैं तो वहां पर तो सरेआम वो चाचा की बेटियां और फूफों की बेटियां सब सबके साथ ही कर देते हैं कांड, तो ये चीजें अब कैसी शिक्षा आएगी बच्चों के मन में? तो पता होना चाहिए ना, जैद के बारे में बताना चाहिए कि ये इनका गोद लिया हुआ बेटा था, इसके लिए कुरान में आयत आई कि आज से मुंह बोले रिश्ते मनसूख हुए तुम्हारे, और तलाक करा के और अपनी पुत्र वधू से निकाह करा, तो जिसको बुरा लगे तो वो कहे कि गलत है। बात आपकी ठीक है। चलिए जी, व्लादिमीर जी है, वो कह रहे हैं कि अच्छा अवध, वो अच्छा ठीक है जी, उस पर तो हम बात कर चुके हैं एक बार। राघव जी, आयत ऑफ फार्मिंग 2:223 नाजिल कैसे हुई? ये वो महिलाएं तुम्हारी खेती हैं उसकी बात कर रहे हैं आपसे। एक आपसे पुस्तक का जिक्र करूंगा, रंगीला रसूल, आसानी से मिल जाती है, नेट पर भी है, उसका जो आखिरी पन्ना है उसमें ये आयतें और उसके संदर्भ में कि किस लिए आई। ये नीरज जी कुछ ज्यादा ही शरीफ आदमी है, इनके चैनल पे बातें ना हो तो बेहतर है, आप उसमें देख लीजिए। ये जिस तरह से तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, जिस तरह से आप अपनी खेती में जाओ, इसका संदर्भ उसमें है, अंतिम पृष्ठ पर जो 8-10 आयत है उसका जिक्र वहां मिल जाएगा। पंडित मिश्रा जी, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम तुफेल जी, प्रणाम पंडित जी। एनसीईआरटी बुक मैंने भी चेक करी थी, मात्र 1 साल लगा अपनी बच्ची को ट्रैक पर लाने में, दर्शक नीरज सर के वीडियो सब परिवार देखें। हाँ ठीक बात है जी, ये देखते रहें, तुफेल जी के भी देखें, संजय जी के देखें, तो सब ट्रैक पे आ जाता है। और ये काम इसीलिए चल रहा है कि जो स्टेट को करना चाहिए था वो नहीं कर रही, वो उल्टा जा रही है, तो हम कुछ तो कार्य कर ही सकते हैं। व्लादिमीर जी है, मुख्य चैनलों पर मजहब एक्सपोज किए बिना कुछ ना होगा। ठीक बात, ये कर रहे हैं, इसमें कोई संकोच है भी नहीं, ये काम है हमारा। पूजा, सऊदी बैंड लाउडस्पीकर्स, तबलीगी जमात, नमाज ऑन रोड, बट इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग करेक्ट स्टेप्स। राजनीतिक सारा खेल है, आप इतना बड़ा राजनीतिक वर्ग तैयार कर दीजिए एक तरफा तो सब बदल जाएगा, सब राजनीति के लिए है। आपसे कम अच्छे हिंदू नहीं है वो लोग, मगर उनकी मजबूरी है कि वो उनका वोट बैंक वहां से आता है, तो उसके खिलाफ एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर दीजिए, सब सुधर जाएगा। नहीं पर वोट बैंक कहां, उनको तो वोट डालते ही नहीं, अभी जब हम देख रहे थे वो जो नहीं, 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 कांग्रेस की मजबूरी है ना, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, ललुआ को, ममता को, इन लोगों के जो अपने वोट हैं वो उसमें बड़ा हिस्सा मुमिनों का है, इसलिए वो ये सारी बातें करते हैं जी। को उम्मीद कर सकता है कि श्री उद्धव ठाकरे अब मुमिनों की हिमायत करेंगे, कर रहे हैं, तो मुमिनों से वोट दिखता है जी। राघव जी, दुनिया इस्लाम की तहरुश केमिया जाने सर। जी जी, इस पर भी बात करते हैं। असल में बातें हम तो कर चुके हैं, लेकिन आज मुद्दा यह है कि जब सरकार बोल रही है कि हम कुरान के माध्यम से नैतिक शिक्षा देंगे,
तो उसके लिए थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है हमें। जी 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 तुफेल जी, जी आपसे हमने आधे घंटे का समय मांगा था, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों से जुड़ने के लिए। जी, आगे जी, मैं प्रश्न ले लेता हूँ दर्शकों से। बहुत बहुत आभार। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र जी। तो तुफेल जी ने आपको अपने विचार बता दिए हैं। अब इसमें प्रश्न ये उठता है, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि एनसीईआरटी ने एक आयत डाल दी, और वो एक आयत क्या कहती है कि जो मर्द है जो औरत है उन सबको सवाब मिलेगा। तो इससे छोटे बच्चों को तो इम्प्रेशन चला जाता है कि ये एक इक्वालिटी का मजहब है। लेकिन अगर इसी को हम शुरू से देखना शुरू करें इस चैप्टर को, तो सबसे पहले क्या आ जाता है, ऐ नबी खुदा ही से डरते रहो और काफिरों और मुनाफिकों की बात ना मानो, इसमें शक नहीं कि खुदा बड़ा वाकिफकार हाकिम है, ठीक है, और तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास जो वही की जाती है उसी की पैरवी करो, तुम लोग जो कुछ कर रहे हो खुदा उसको यकीनी अच्छी तरह आगाह है, और खुदा पर भी भरोसा रखो और खुदा ही कारसाजी के लिए काफी है। फिर चौथे में क्या आ जाते हैं, और तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास जो हो, ये तो वापस रिपीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। चौथी आयत है जी, अल्लाह ने किसी आदमी के सीने में दो दिल नहीं पैदा किए। अब क्या बच्चे जब इसको पढ़ेंगे, अल्लाह ने किसी आदमी के सीने में दो दिल नहीं पैदा किए कि एक ही वक्त दो इरादे कर सके, ये तो ब्रैकेट में उन्होंने डाल दिया ना, और ना उसने तुम्हारी बीवियों को जिनसे तुम जहर करते हो तुम्हारी माएं बना दी, और ना उसने तुम्हारे लिए पालकों को तुम्हारे बेटे बना दिए, ये तो फकत तुम्हारी मुंह बोली बात है, और खुदा तो सच्ची कहता है और सीधी राह दिखाता है। अब आप ये बताइए कि बच्चे जब इसको पढ़ेंगे तो उनको कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि कैसी बायोलॉजी है जिसमें ये बताने की कोशिश हो रही है कि अल्लाह ने दो दिल नहीं दिए। और फिर इसी को अगर आप अंग्रेजी में देखेंगे तो समझ में आएगा। अंग्रेजी में क्या बताते हैं जी, ये रहे हिलाली अल खान, अल्लाह इज नॉट पुट फॉर एनी मैन टू हार्ट्स इनसाइड हिज बॉडी। देखिए कितने कमाल की चीज है ये बच्चों को बता रहे हैं। नीदर हैज ही मेड योर वाइव्स होम यू डिक्लेयर टू बी लाइक योर मदर्स बैक्स योर रियल मदर्स। तो कितना सुंदर समाज रहा होगा जो अपनी बीवी को बोलता होगा कि तू मेरी माँ की तरह है, और ना ही उसने तुम्हारे गोद लिए बच्चों को तुम्हारे असली बच्चे बनाया। तो इसमें अल्लाह की क्या दिलचस्पी है। वो जो तुफेल जी कह रहे थे कि क्लियर हो जाएगा कि क्यों गोद नहीं लिया जाता, सयाली पवार जी एनसीईआरटी को गीता रामायण नहीं मिले, मिले हैं ना, ये मैं पहले बता चुका हूं कि जो कर्नाटक सरकार की ओर से वक्तव्य है वो वक्तव्य ये है कि रामायण और गीता भी पढ़ाए जाएंगे, गीता नहीं रामायण और महाभारत इनमें से पढ़ाया जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि जब आप कुरान पढ़ा रहे हैं तो कुरान आपको फैक्चुअली पढ़ानी पड़ेगी, और उसमें साथ में आपको ये बताना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि जो बायोग्राफी है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की वो कैसी है, वो क्या बताती है, ताकि असलियत तो समझ में आए कि जिसे ये रिलीजन मजहब बोलते हैं उसकी वास्तविकता है क्या। तो दीन के साइंस पे, हाँ एग्जैक्टली, कि दो दिल दिए हैं और दो दिल नहीं दिए, इस किस तरह की साइंस, किस तरह की साइंस है या मॉरल साइंस है ये तो पता नहीं। लेकिन अच्छा ऐसे ही फिर एक सूरह नंबर 66 भी है, बहुत सुंदर सूरह है वो, उसमें अल्लाह बताता है कि तुम अपनी कस्में तोड़ सकते हो क्योंकि तुम अल्लाह के नबी हो, तो तुमने अपनी बीवियों को अगर कोई प्रॉमिस किया भी था तो उसे भी तोड़ सकते हो। सोनी बिश्त, कुरान पढ़ने की जरूरत क्या है। श्रीमान जी कुरान पढ़ने की जरूरत ये है कि आपको यदि शत्रु बोध चाहिए तो आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा।
रिमूव कुरान इन एजुकेशन, नहीं, आप देखिए पॉइंट समझ लीजिए कि कुरान पढ़नी चाहिए, सबको पढ़ानी चाहिए। मोदी जी बोलते हैं ना, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, तो ठीक बात है, कुरान सबसे पहले हिंदुओं को कुरान पढ़ लेनी चाहिए। आपने भगवत गीता पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन कुरान और मोहम्मद की बायोग्राफी जरूर पढ़ें, अली सीना की अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद जरूर पढ़ें, ताकि आपको स्पष्टता, हम सबको स्पष्टता आए कि ये कौन सी विचारधारा है जिसे हमने कुछ और ही सोच रखा है। जी कुछ प्रश्न अगर बचे हैं तो भेज दीजिए मेरे पास। श्री हर्षा, नीरज सर हम लोग गलत पढ़ लिए, कुरान का फिजिक्स पढ़ लेना चाहिए था, एटलीस्ट अफगानिस्तान में स्टार्ट करना चाहिए। हाँ ठीक बात है, देखिए कुरान में कई चीजें बड़ी स्पष्टता से बताई हैं जो फिजिक्स में लोग गलत पढ़ लेते हैं। शायद हम क्या बोलते हैं कि जो शूटिंग स्टार है वो कोई जब मेटेराइट है या मेटेर है, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है, वो जलता है। पर कुरान क्या बताता है कि सात आसमान है, तो जो सबसे नीचे वाला आसमान है ना, जिन जो है वो धरती और आसमान के बीच में है, नीचे वाले आसमान के बीच में, तो फरिश्तों की आवाज बातें सुनने के लिए वो ऊपर कान लगा लेते हैं। तो जो अल्लाह है वो आग लगे हुए तीर उनके ऊपर छोड़ के मारता है ताकि जिन्न जो है वो फरिश्तों की बातें ना सुन सके। तो ये है फिजिक्स। जो पहाड़ हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि जो धरती है वो हिले डुले नहीं, यानी पेपर वेट की तरह लगा रखे हैं। तो वैसे बात तो ठीक है कि कुरान को साइंस के लिए भी यूज किया जाता है, सिर्फ मॉरल साइंस के लिए क्यों यूज करता है। जी तो इस लाइव का उद्देश्य ये था सरकार से निवेदन करना कि यदि आप पढ़ा रहे हैं तो ऑनेस्टली पढ़ाइए, ताकि बच्चों को वास्तविकता समझ में आ सके कि किस तरह की चीजें हैं जिन्हें मजहब के दीन के नाम पे बस एक्सेप्ट किया जा चुका है। हिंदू राष्ट्र इंटरव्यू में हलाला टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। वो 18 प्लस वालों से पूछे जा सकते हैं, उससे पहले वालों से नहीं पूछे जाने चाहिए। श्रुति जी, सर क्या मौलाना स्कूल में कुरान पढ़ाने का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि मदरसों में अरबी में पढ़ाते हैं जिससे समझ ना आए। श्रुति जी आपकी बात में दम तो है, क्योंकि मौलाना की दुकान बंद हो सकती है, लेकिन आज तक का जो हमारा अनुभव है वो क्या है कि हम इस अपीजमेंट के चलते हुए डर कर मौलाना को ही बुला लेते हैं कि आओ भाई तुम कुरान में से नैतिक शिक्षा दो, तो वो घुमा फिर आके वही दो चार चीजें कि हमारे नबी तो ऐसे थे कि सर पे कचरा फेंकती थी औरत वो करते थे, वैसी चीजें उनको सुना देंगे जो कि सच नहीं होंगी। तो होना ये चाहिए कि जो लोग इस्लाम के दुकानदार नहीं है, जिनकी रोजी रोटी इस्लाम पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इस्लाम का सच बता सकते हैं। वो टीचर्स अगर पढ़ाएंगे तो सच बताया जा सकता है। चाहत जी, चांद के दो टुकड़े कर दिए थे जी, नासा ने बोला। हाँ ठीक बात है, वैसे गधों जैसे वीडियो चल रहे हैं कि वहां पर आपको उन्होंने टर्म कुछ और यूज की हुई है, इन्होंने बोल दिया कि चंद्रमा में दरार दिखाई दे गई है नासा वालों। भारत पक्का, वाई आर हिंदूज अवॉइडिंग ओन ड्यूटी ऑफ प्रैक्टिसिंग धर्म एट होम बाय बट रिलाइंग ऑन थर्ड पार्टी, फेथफुलनेस इज बिग क्वेश्चन एट स्कूल, वोंट बी टॉट बी एक्स मोमेंट्स। अच्छा हाँ, ये तो आपकी बात ठीक है जी कि जो हिंदू है वो हर चीज को आउटसोर्स करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि हम बस अपने बारे में सोच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के बारे में सोच सकते हैं, बाकी काम हमारा नहीं है। तो यही दुर्भाग्य है, इसीलिए आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि जो गुंडे बदमाश हैं आपको आपका त्योहार भी नहीं मनाने देते।
और आपकी बात ठीक है कि एक्स वूमेन बन जाए तो सबसे अच्छा है। जी तो मुझे लगता है कि और प्रश्न नहीं है हमारे पास आज। ठीक है जी, तो तीसरी की ओर चलते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।